लूडो का क्वेश्चन है कि दो आइडेंटिकल बॉल है, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखे हैं, और एक बॉल जो अगेन आइडेंटिकल है, ये थोड़ा सा छोटा बन गया, तो तीनों का मास m है, ये v वेलोसिटी से आता है और इस दोनों से सिमेट्रिकली टकराता है। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो कोलिजन के बाद तीनों का वेलोसिटी क्या होगा? ये जब टकराएगा यहां से, तो जो है सो इस पे जो भी इंपल्स पड़ रहा है, जो भी फोर्स पड़ रहा है, सो इस दोनों के सेंटर को ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग पड़ रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली इस पे जो भी इंपल्स पड़ेगा, इस दोनों के सेंटर के ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग पड़ेगा, और चूंकि तीनों स्फीयर आइडेंटिकल है, ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीन वर्टेक्स आएगा, ठीक है। तो ये इनिशियली वेस्ट में था, इस पे जो भी इंपल्स पड़ा है इस डायरेक्शन में पड़ा है, तो ये जो भी वेलोसिटी गेन करेगा सो इस डायरेक्शन में गेन करेगा। सिमिलरली ये जो भी वेलोसिटी गेन करेगा इस डायरेक्शन में करेगा, और इनिशियल वेलोसिटी v है, इसका हम फाइनल वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, इसका वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, और सिंस सिमेट्रिक है, जितना इसका वेलोसिटी आएगा उतना ही इसका वेलोसिटी आएगा, तो इस दोनों का वेलोसिटी हम v2 मान लेते हैं। ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रहा है? अब जो है सो एक इक्वेशन हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से लिख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो एम वी के बराबर है, और कोलिजन के बाद उसके वेलोसिटी को हम वी वन मान रहे हैं, तो उसका मोमेंटम एम वी वन चलाएगा। ऊपर वाले का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एम वी टू कॉस 30 डिग्री यानी रूट 3/2 आएगा, और ऐसा दो पार्टिकल है यहां पे, टू कर लेंगे, एम पूरे में से हम लोग कॉमन हटा देते हैं, तो आ जाएगा वी इज इक्वल टू वी वन प्लस रूट 3 v2, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गया जो सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लोग ले आए हैं। दूसरा इक्वेशन हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिखेंगे। सिंस कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, हम लोग जो है सो उसके टोटल काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करके एक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो जो है सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, और कोलिजन के बाद इसके पास एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर है, इस दोनों का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वायर होगा, तो हाफ एम वी टू स्क्वायर दोनों को ले लेंगे, तो ये एम वी टू स्क्वायर चलाएगा, ठीक है। तो यहां पे हाफ एम को कॉमन हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस टू वी टू स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेटिवली सिंपल इक्वेशन है। यहां से वी वन का वैल्यू वी माइनस रूट थ्री वी टू यहां रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी माइनस रूट थ्री वी टू का होल स्क्वायर प्लस टू वी टू स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस थ्री वी टू स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री वी टू इंटू वी प्लस टू वी टू स्क्वायर, वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर कट गया, यहां आ जाएगा फाइव वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू टू रूट थ्री वी टू इंटू वी, वी टू और वी टू हटा दिए, तो यहां से वी टू का वैल्यू आ जाएगा टू रूट थ्री डिवाइडेड बाई फाइव वी, ठीक है। और इस v2 के वैल्यू को यहां रख देंगे इस इक्वेशन में तो हम लोग को मिल जाएगा v1 इज इक्वल टू v माइनस टू रूट थ्री बाई फाइव वी, तो ये जो भी है फाइव माइनस टू रूट थ्री डिवाइडेड बाई फाइव वी, तो वहां से v2 का वैल्यू आ गया, यहां से v1 का वैल्यू आ गया। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए प्लेलिस्ट और वीडियो पर क्लिक करें। नए अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।